Our today's topic is marks or knowledge. That means कि marks ज़्यादा important होते हैं या knowledge? तो girls आप क्या बोलते हैं? Knowledge. Boys आप? Marks. चलिए आज हम देखते हैं कि ज़्यादा ज़रूरी क्या है. Basically दोनों ही ज़रूरी हैं. But फिर भी let's see. तो girls आपसे start करते हैं. बताइए. आई थिंक नॉलेज इज मोर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अगर हम किसी भी कंपनी में जाते हैं तो वहां पर जिसकी नॉलेज अच्छी होगी उसी को प्रमोशन मिलेगी और वो ही उस कंपनी को आगे भी ले जा सकता है. और जिसके मार्क्स होंगे वो कुछ भी नहीं कर सकता. मार्क्स है लेकिन नॉलेज नहीं है तो वो कंपनी को आगे नहीं निकाल पाएगा. पहली बात तो ये आपने गलत बोल दिया. जब बंदे पास नॉलेज होगी तो ऑटोमेटिकली बात है मार्क्स तो आएंगे ही आएंगे भाई. जिसका नॉलेज नहीं होता उसके मार्क्स नहीं आते. और बात रही कंपनी में काम करने की, अगर मैं सीए की बात करूं, आप तब तक सीए क्लियर नहीं कर सकते जब तक आप कंपनी में आओगे नहीं, ठीक है ना. अगर आप पास नहीं होगे सीए में तो आप सीए कैसे बनोगे? सीए एग्जाम्स को तो क्लियर करना पड़ेगा, तभी तो आप कंपनी में काम कर पाओगे, ठीक है. और रही बात नॉलेज की, तो आजकल ये पेपर ऐसे हैं, हमारा एजुकेशन सिस्टम काफी सही हो रहा है कि जब तक आपके मार्क्स नहीं आएंगे, ठीक है, और कोई क्वेश्चन ऐसे वैसे भी नहीं होते कि आप रट के पास हो जाओगे और आपके आपने रटा नंबर आ गए और आप पास हो गए, ठीक है. तो यहाँ पर यही तो बात आ रही कि नॉलेज है. अगर नॉलेज है तो मार्क्स आ सकते हैं, लेकिन मार्क्स है तो नॉलेज नहीं आ सकती. ऐसा नहीं है. तो वही तो बात है, पेपर इतना इजी नहीं आ रहा. आपके मार्क्स आ रहे हैं इसका मतलब आपको नॉलेज है, सब कुछ है. अगर आपको नॉलेज भी है लेकिन आपके मार्क्स नहीं आ पा रहे, आप उस नॉलेज को इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे, फिर क्या फायदा? अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं इसका मतलब आप उस नॉलेज को इम्प्लीमेंट भी कर पा रहे हो, ठीक है. आपके पास मार्क्स आ गए लेकिन आप अपनी नॉलेज को दिखा नहीं पा रहे तो फिर क्या होगा उससे? आजकल इतने लोग हैं टॉपर होते हैं क्लासेस में, अपनी क्लास में टॉपर होंगे लेकिन वो अपनी क्रिएटिविटी स्किल्स नहीं दिखा पाते हैं. वही लोग एथलीट्स भी वो होते हैं जिनके पास नॉलेज है, क्रिएटिविटी स्किल्स है, लेकिन मार्क्स नहीं आ रहे. जरूरी नहीं है मार्क्स हो तो ही बच्चा आगे बढ़ सकता है, उनकी क्रिएटिविटी स्किल्स भी होनी चाहिए. हमारा सीबीएसई भी नया एजुकेशन पॉलिसी ला रहा है और कई टाइप के वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस ला रहा है, ठीक है, नॉलेज बेस्ड, वैल्यू बेस्ड और हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस. तो आजकल आप ये नहीं बोल सकते कि टॉपर सिर्फ रट के नंबर ला रहा है, वो अपनी नॉलेज को इम्प्लीमेंट कर रहा है तब उसके मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है. हर बारी जरूरी थोड़ी ना होता है कि वो जो मार्क्स उसके आ रहे हैं वो हर बारी नॉलेज बेस्ड पे ही आ रहे हो. क्या पता वो चीटिंग करके मार्क्स ला रहे हो सकता है. इधर दस में से ये तो नहीं है कि हर पॉसिबल है, तो हर जगह पॉसिबल नहीं है तो पॉसिबल है भी तो. और मार्क्स से कुछ भी नहीं होता. अगर आपके पास नॉलेज है ना तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आता है. मार्क्स है लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है, नॉलेज नहीं है तो क्या करोगे? कॉन्फिडेंस आएगा तभी तो आप नहीं जा सकते है ना. मेरे को तो एक बात समझ नहीं आ रही, तुम नॉलेज जब नॉलेज है तो मार्क्स क्यों नहीं आएंगे यार? मेरे को ये बताओ पहले यार, एक ही बात 10 बार बोल रहे. और रही बात कॉन्फिडेंस की, मैं तो अपने नंबरों को देख के खुश हो जाता हूँ, मेरे अंदर तो वैसे ही कॉन्फिडेंस आ जाता है, ठीक है. अरे बोलो. तो मैम एक तरीके से ये लोग भी तो नॉलेज के फेवर में ही बोल रहे हैं कि अगर नॉलेज है तो ही तो आपके मार्क्स आएंगे. ये लोग यही सब तो बोल रहे हैं, है तो इनडायरेक्टली लोग नॉलेज के फेवर में. नॉलेज मैटर करती है. अरे मैं अपनी बात तो और भी रिपीट कर देता हूँ. आपके पास नॉलेज है लेकिन आपने सीए एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए, और भी ऐसे कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है. हाँ बन जाना, जाओ पूरा उठा लो. हाँ सही बात है. अरे नहीं, बहुत होते हैं जिनके तुक्के लग जाते हैं. और आज के टाइम में बहुत सारे आईएएस आईपीएस ऐसे भी हैं जिनकी परसेंटेज बिल्कुल लो थी, बट आज फिर भी वो उस पोजीशन पे हैं. आप गूगल पे जाके सर्च कर लेना, ठीक है. हाँ 12th फेल एग्जाम्पल कितना बड़ा सबने ही देखी है. 12th फेल में वो बिना नंबरों के पास भी तो नहीं हुआ था ना, बिना मार्क्स के पास हो. मैं लो थे लेकिन जब पूरी फिल्म देखी हो तो उसने कितने साल से मेहनत भी की थी. तो बात तो यहाँ वही आ रही है कि मतलब आपने नॉलेज थी तो मार्क्स आते.
आखिरकार जो सच है वो आपके मुंह से निकल ही गया कि नॉलेज बेटर है मार्क्स से। आजकल हम वैसे भी ऐसी सोसाइटी में रह रहे हैं जहाँ पे आपको बेसिकली मार्क्स के ऊपर जज करा जाता है, ठीक है। आपको कोई भी ये नहीं पूछता आपके पास नॉलेज कितनी है, पहले नॉलेज दिखाओ। आपके रिलेटिव सबसे पहले आपसे ये पूछेंगे आपके मार्क्स कितने आए थे, आपके टेंथ में कितने मार्क्स आए थे, ठीक है, आपने ट्वेल्थ में कितनी परसेंटेज लाई। और इवन आजकल तो परसेंटेज के ऊपर आप सीयूईटी दोगे ना तो भी आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको अपना फेवरेट कॉलेज मिलेगा, ठीक है। और फिर वही रिश्तेदार बोलेंगे कि नंबर तो इतने अच्छे आए थे तो फिर आज जॉब कैसे नहीं लग रही है इसकी, क्योंकि उसके पास नॉलेज नहीं होगी। तो नॉलेज इज बेसिकली इम्पोर्टेंट। और जिसकी परसेंटेज नहीं है लेकिन नॉलेज है, वो अच्छी कंपनी में काम कर रहा है, अच्छी पोस्ट पे है, तो रिलेटिव्स भी बोलेंगे कि अच्छा नंबर नहीं आए थे बट ही उसकी नॉलेज अच्छी थी तब वो इस पोस्ट पे है। हाँ जी देखो टॉपिक कुछ गलत नहीं है बट स्टिल अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो मुझे आप लोगों को बतानी है वो ये है, जो बच्चे बोल रहे हैं कि नॉलेज टॉपिक आपने मेरे कहने पे ही लिया है नो डाउट, तो गर्ल्स भी बना रहे हैं बॉयज भी बना रहे हैं, बट नॉलेज को हम कभी भी अपग्रेड कर सकते हैं, कभी भी इन एनी एज। कोई लिमिट नहीं होती कि हम लोग 15 में पढ़ेंगे, 18 में पढ़ेंगे, 25 में पढ़ेंगे या 45 में पढ़ेंगे। आप नॉलेज कभी भी अपग्रेड कर सकते हो, बट मार्क्स अपग्रेड कर सकते हो? नहीं, मार्क्स तो एक बार आते हैं, जो आ गए आ गए, सीधी सी बात है। नॉलेज आप कभी भी, अभी मुझसे मोहित ने पूछा कि मैम आप टीचर इतने अच्छे अभी बने या पहले से हो, मैंने अपग्रेड किया ना, तो नॉलेज को अपग्रेड कर सकते हैं हम लोग, किसी भी लेवल पे सीख सकते हैं। और नॉलेज ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, नॉलेज से सैलरी अच्छी मिलती है ना कि मार्क्स से। आज मेरे मार्क्स कोई नहीं देखता, मैं कहीं भी जॉब पे जाती हूँ मेरे सिर्फ इतना देखते हैं कि क्या क्वालिफिकेशन है, वो ये नहीं देखते क्वालिफिकेशन में मार्क्स कितने, वो ये देखते हैं कि नॉलेज कितनी है, ठीक है। तो मार्क्स से ज्यादा जरूरी नॉलेज होती है, नो डाउट। मार्क्स इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ये भी सही है, बच्चे भी सही है, क्योंकि क्राइटेरिया आजकल मार्क्स का है। सीयूटी क्लियर करना है, क्रैक करना है तो मार्क्स चाहिए, अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना मार्क्स चाहिए, नो डाउट। तो स्टूडेंट्स लेवल पे आपको मार्क्स की बहुत रिक्वायरमेंट है, तो दोनों ही अपनी अपनी जगह सही है। कोई बात नहीं, गर्ल्स फिर भी कुछ कहना चाहती हैं, आज वो जीतना चाहते हैं, हम उन्हें चांस देंगे, आज हम उन्हें चांस देंगे। मैम हमने बोल दिया उसका जवाब देंगे, क्या बोला तुमने हमारा, बोलो ना पॉइंट तो बताओ ना। और सीयूईटी का एग्जाम भी नॉलेज की वजह से ही आप क्लियर कर पाओगे, आपको सारी सब्जेक्ट्स की नॉलेज होगी। हाँ जी, वेल बेसिकली मैं बात करूँ तो स्टूडेंट की लाइफ में मार्क्स सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बट जैसे जैसे आप ग्रो करोगे आपको नॉलेज ज्यादा चाहिए होगी, ठीक है। तो दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर स्टूडेंट की लाइफ में बात करें मार्क्स ज्यादा जरूरी है, ठीक है। जब तक मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे आपके, आपको नॉलेज है लेकिन आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे, मैं बार बार यही बोल रहा हूँ, आप इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पाओगे ना। आपको नॉलेज है, चलो आपको पता ही है ऐसे हमारा सॉल्व होगा क्वेश्चन, या फिर आपको पता ही डेली लाइफ में ऐसे यूज होती है ये चीज, ठीक है। लेकिन जब आपको वो क्वेश्चन को घुमा के देगा तब आप समझ ही नहीं पाओगे, तो क्या फायदा, तब मार्क्स ही नहीं आ पाएंगे ना आपके। नहीं, नॉलेज आपको बेसिकली ये पता है कि हाँ ये सब्जी में हल्दी डालो तो उसका पीला कलर आता है, लेकिन वो क्यों आता है क्वेश्चन में ये पूछ लिया तो उसको कैसे लिखोगे आप, कैसे बताओगे जब इन्हें क्वेश्चन ही समझ नहीं आएगा कैसे क्या। अच्छा चलो मान लो ये तो हमारा, एक मिनट मैम, स्टॉप फेवरिंग मैम, ओके चलो मैं बात करता हूँ, ठीक है। 10th तक साइंस तो सबने पढ़ी है आपको, चलो पुराने जमाने में लोगों की मैं बात करूं उनको नॉलेज है नो डाउट, बट क्या अगर उसी नॉलेज को थोड़ा साइंस की लैंग्वेज में कन्वर्ट करके उन्हें पूछ दिया जाए क्या वो आंसर दे सकेंगे? नहीं दे पाएंगे, नहीं दे पाते यार, नहीं दे पाते, कोई नहीं दे पाते। अरे मार्क्स वाले बंदे के मार्क्स तो तभी आ रहे हैं ना क्योंकि उसको उस वे की टर्मिनोलॉजी पता है, उसे पता है वो नॉलेज। अरे मैं वही तो बता रहा हूँ, पुराने जमाने के लोगों को अगर मैं नॉलेज की बात करूं नो डाउट इन्हें नॉलेज है, लेकिन अगर वही नॉलेज को मैं साइंस की टर्म में लिखकर दे दूं उन्हें कि चलो अब बताओ इसका आंसर, क्या वो उसका आंसर दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे यार। चलो आप प्रैक्टिकल लाइफ में आपको नॉलेज है लेकिन जब तक आप उसे थ्योरिटिकल नॉलेज में नहीं कन्वर्ट कर पाओगे आप मार्क्स नहीं ला पाओगे, क्या फायदा उसका। किसी भी कंपनी
भाई हम किसी भी कंपनी में जाते हैं वहां पर प्रेजेंटेशन देनी होगी तो उसको नॉलेज होगी, वो प्रेजेंटेशन दे सकता है। वहां कोई आपसे साइंस का क्वेश्चन पूछने बैठेगा घुमा फिरा के कि सब्जी की हल्दी का पीला कलर कैसे आया, बेसिकली उनकी नॉलेज ही मैटर करेगी वहां। बट देखो बोलने में दिक्कत हो सकती है, बात पे मत जाओ, डोंट हर जगह पे नॉलेज मैटर नहीं करती। इवन हमारे क्लास टेस्ट में देखा जाए नॉलेज काफी सारे बच्चों के पास होती है लेकिन वो मार्क्स नहीं ला पाते इसलिए रिवॉर्ड्स नहीं मिलते हैं। क्लास में हमारे इको के टेस्ट में देख लीजिए चॉकलेट्स उनको ही मिलती है जिनके मार्क्स ज्यादा अच्छे हैं, नॉलेज की बेसिस पे उन्हें कुछ नहीं मिलता है। मैम हमारी फीलिंग हर्ट होती है, फीलिंग हर्ट नॉलेज है तभी मार्क्स आ जाते हैं सबके। क्यों अगर आप लोग बस नॉलेज है आप लोगों के मार्क्स क्यों नहीं आ रहे हैं? जब मैम हमें उन क्वेश्चन नॉलेज सबको है आपने बोला नहीं हमने बोला नॉलेज सबको है ठीक है लेकिन वो उसे लिख ही नहीं पा रहा ना। अब मैम मार्क्स जिसके मार्क्स आएंगे मैम उसी को चॉकलेट देती है ठीक है। अब चलो मान लो लिखेगा तभी ना। अब जैसे मैम हमें आंसर बता देती अरे यार हमें ये तो पता था हमने ये नहीं लिखा, हर बच्चे के साथ ये सीन होता है कि ये तो हमें पता था, तब नॉलेज थी आपको लेकिन आप उसे लिख नहीं पाए तो मार्क्स नहीं आए आपके। मैं मैम का टेस्ट देता हूँ इको का, मैं अपनी पूरी फीलिंग सही से लिखता हूँ, सारे आंसर मेरा नंबर फिर बिगाड़ देती है, मेरे को आता है हर चीज। मैं अरे तू मैम से पूछ ले सब चीज सही लिखता हूँ बस लिखने का तरीका गलत। हाँ तो लेकिन आपके मार्क्स नहीं आए लेकिन आगे प्रैक्टिकल लाइफ में आपकी वो नॉलेज आपको काम आएगी, वो नॉलेज आपके लिए आप मार्क्स लेके आ जाओगे आज और आपको उस चीज को इम्प्लीमेंट करना नहीं आता, नॉलेज नहीं है तो प्रैक्टिकल लाइफ में आप बड़े होके क्या ही कर लोगे? मार्क्स दिखा के बोल दोगे मेरे 99% आए थे ओके आपको ले लिया, कंपनी में आपने कुछ करके नहीं दिखाया, फिर नॉलेज ही नहीं है आप में आपका। तो आपको उस लेवल तक पहुंचने के लिए आपको नीचे के लेवल को भी तो क्लियर करना पड़ेगा, जब तक आपके मार्क्स नहीं आएंगे आप बढ़िया कॉलेज में कैसे जाओगे? बढ़िया कॉलेज में नहीं जाओगे तो आप उस लेवल तक कैसे पहुंचोगे ये बताओ ना। ये नॉलेज सुनो मेरी बात सुनो, नॉलेज तो एक मिनट रुक जाओ, नॉलेज तो आपको गेन तब होगी ना जब आप एक्सपीरियंसेस लेना स्टार्ट करोगे, लेकिन वहां एक्सपीरियंस लेने के लिए आपको वहां तक तो पहुंचना पड़ेगा ना। बोलो करने वाला बंदा कहीं भी कर लेता है, जरूरी नहीं है कि हम बहुत अच्छे कॉलेज में पढ़ेंगे। एक बात बताओ स्कूल में क्या करने आते हो? नॉलेज गेन करने आते हो ना, नॉलेज गेन करने आते हो, नॉलेज गेन करते हो तभी तो मार्क्स आते हैं, घूम फिर आके बात हुई है नॉलेज। अब तुम उसे एक मान लो बस, अब मान लो भाई नॉलेज नॉलेज मैटर करती है ना, नॉलेज मैटर करती है, मार्क्स नहीं मैटर करती।